तारीख एक कंप्लेंट आया, 8 तारीख शाम में कंप्लेंट आया था, देवेश जैन बोल के कंप्लेंट है, उनका शॉप है, उन्होंने नया वो शॉप खरीद लिया, उन्होंने 3 महीने के पीछे खरीद लिया वो शॉप को, एल्यूमिनियम शॉप था इसके पहले, अग्रवंशी एल्यूमिनियम हाउस है, वो शॉप इन्होंने खरीद ली है और अभी उसको दूसरा बिजनेस शुरू करने का था, अभी नहीं करा हूं ना उस, तो उन्होंने 8 तारीख को आके देखे तो उसको इन्फॉर्मेशन मिला आपके कंपाउंड वॉल के अंदर दुकान के सामने एक आदमी पड़ा हुआ बोल के, तो उन्होंने आके देखे, उन्होंने देखे तो आदमी उसको जान से मार के वहां सुला के चल गए, वहीं था वहीं सो गया, सो गया इस आदमी को उधर ही कंपाउंड वॉल में खत्म करके चल गए। तो हमारे को 8 तारीख कंप्लेंट आया, हम जाके वेरीफाई करने के बाद आपको हमारे एविडेंस के मुताबिक जो हमारे को मिला एविडेंस से देखे तो आदमी को 7 तारीख शाम में उसको वहां मार दिए, जान से मार दिए। तो ये पूरा कोई नहीं है, ये तीनों भी दोस्त थे, ये तीनों भी दोस्त आए, ये फंक्शनल में काम करते है और जो फंक्शनल में जो काम 13 पे सोना पूरा बोले तो ये पूरे फुटपाथ के ऊपर जो सा भी सेकंड नंबर रानी गैंग सेकंड नंबर नहीं तो गोविंदपल्ली इधर अड्डा मिला उधर शादी खाने में काम करना, अगर कुछ शादी खाने में काम नहीं तो ये पेपर स्पीकिंग करना रैक पिकर से, वो आए सो पैसे से ये क्या करना पीना, वो पीना कौन सा है बोलते स्पिरिट पी रहे, स्पिरिट थोड़ा सस्ते में मिलता है, कावेरी मेडिकल शॉप में स्पिरिट लोग उस दिन 7 तारीख ले लिए तीनों, वो 7 तारीख देखे पीने के बाद पहले शाम में उसको पिला के इधर आके इन आ गया, आके सो गया उसके अड्डे पे सो गया, फिर लोग शाम में उसी दिन 7 तारीख शाम में फिर 7:30 के वो टाइम पे दरमियान फिर उसके पास फिर आए, जब वो आदमी सो रहा था सो रहे तो क्या करे एक पत्थर लेके आके वो बोल्डर लेके आके उसको पत्थर के ऊपर इसको मार दिए, पत्थर नहीं था पत्थर से उसको मारे, तो मार के सुला के चल गए। तो चल जाने के बाद जो हमारा सीसी फुटेज और इंक्वायरी आजू बाजू लोग अभी थोड़े लोग पहचानते ये तीनों मिलके जाते सब शादी करने में काम करते बोल के बोले थे, हमारे को एविडेंस मिला और मिलने के बावजूद हम पूरे वेरीफाई करके ये दो अपराधी कौन है बोल के आज सुबह लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन के पास उन लोगों को पकड़ के लेके आए। तो इसमें क्या मेन इसका मतलब क्या है, क्यों उसको हम जैसा इंट्रोगेशन करें पूछताछ करें तो दोनों यही बोले कि हम वो आदमी से जो राहुल है जो मर गए आदमी का नाम राहुल है जो उसको कत्ल किए सवाल है सत्यनारायण A1 है और श्रीनिवासन A2 है, ये तीनों भी दोस्त है और ये बर्दाश्त नहीं कर सके राहुल का जो उसका तरीका क्या है इनको डराना और पैसे खींच लेना मारना, तो एक इंसिडेंट है। सेकेंड यही राहुल सत्यनारायण को 3 महीने पीछे उसको पत्थर से मारा, उनको पत्थर से मारने के बाद उन्होंने जाके एक होम हाउस में एडमिट हुआ, ओल्ड एज हाउस में एडमिट हुआ, उधर वो लोग ट्रीटमेंट दिए, उसके बाद उन्होंने 7th को रिलीज हुआ, सुबह डिस्चार्ज हुआ, आश्रम से डिस्चार्ज होने के बाद फिर नल्लागुट्टे के पास फिर एक पूरे 3 लोग मिल लिए, मिलने के बाद भी उसी दिन फिर राहुल उनके ऊपर फिर दोनों से झगड़ा कर लिया करके, तो उन्होंने पी लेके वहां से पी लेके फिर आ गया, आके इधर सो गया, उन्होंने सुला के चले गए। अभी लोग डिसाइड कर लिए हम हमेशा हमारे को दम कर रहा इसको कैसा तो भी अपन खत्म कर देना, और इसमें एक श्रीनिवास बोल के है उनको एक औरत से तो रिलेशनशिप है, सो औरत के पास श्रीनिवास क्या जो औरत है ना उनके पास वेंकटेश शर्मा है, उनके पास राहुल जाके उनसे पूछा कि आप जब से आप श्रीनिवास के साथ रह रहे श्रीनिवास के साथ आप मिल रहे हैं और फिर रहे दोनों मिलने के मिलके जो फिर रहे आपके मुद्दा उस सिलसिले में श्रीनिवास ने राहुल बोला कि श्रीनिवास मेरे को निगलेक्ट कर दिए, मेरे को पैसे नहीं दे रहा बराबर, मेरे से फ्रेंडशिप नहीं कर रहा, तुम उसको श्रीनिवास को छोड़ दे बोल के उससे भी झगड़ा करते पूरे इन श्रीनिवास और वेंकटेश्वर सत्यनारायण उनके मन के अंदर रख लेके ऐसा भी इसको खत्म करना बोल के उस दिन 7 तारीख उसको खत्म कर दिया।